ये बातें अपने घर की अगर आपने बता दी किसी को तो ट्रस्ट मी, लड़ाइयां तो होंगी होंगी, घर भी टूट जाएगा। ये चार बातें जो आचार्य चाणक्य जी ने बताई है, कभी किसी को भूल कर भी मत बताना, नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप आपको ही करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है आर्थिक हानि या लाभ। कभी भी हो, कितना भी हो, किसी को कभी भी आर्थिक हानि या लाभ कभी मत बताएं, क्योंकि हो सकता है जब आपकी आर्थिक हानि हो तो लोग आपको उधार देना बंद कर दें, आपसे बात करना बंद कर दें, उनका सही चेहरा आप देख लेंगे और आपको पता लगेगा कि अब आपका कोई भी नहीं। ऐसे टाइम पे आप डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। वेयर एज अगर आपको आर्थिक लाभ होता यानी पैसे खूब सारे आते तब भी ज्यादा मत बताइए, वरना उधार मांगने वाले आ जाएंगे, जिनको अगर आप उधार नहीं दोगे तो उससे आपको ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आर्थिक हानि या हो नुकसान किसी को मत बताओ। दोस्तों दूसरी चीज है मन के दुख या मन की खुशी। किसी को भी आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं, किसी को आपके दुख से कोई लेना देना, दुख का कोई खरीदार नहीं होता, किसी को आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आप दुखी होंगे तो उनको बहुत खुशी होगी और आप खुश होंगे तो उनको दुख होगा। इसलिए अपने दुख को अपने पास रखो, अपनी खुशी को भी अपने पास रखो, सिर्फ गरीबी को, अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चों को ही उसके बारे में बताओ। कोशिश करके अपने सुखों को भी अपने अंदर ही समेट के रखो, वरना उसका भी खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी चीज जो आचार्य चाणक्य जी ने बताई है वो है पत्नी का चरित्र या गर्लफ्रेंड का चरित्र। अगर आज की दुनिया में बोला जाए तो गर्लफ्रेंड का चरित्र कभी भी अपने दोस्तों से ना डिस्कस करो। उसको क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहां जाना पसंद है, किससे वो बात करती है, किससे नहीं करती, कैसे कैसे लोग उसके दोस्त है, किसी भी बात इससे रिलेटेड अपने दोस्तों से शेयर ना करें। अच्छी हो चाहे बुरी हो, सकता है आप उस लड़की के साथ रहे ना रहे, कल को साथ हो या ना हो, मगर अपने गर्लफ्रेंड की, अपनी वाइफ की बातें किसी को बता के मूर्तापूर्ण काम कभी ना करें, वरना उसको आपको दुख भुगतना पड़ेगा। दोस्तों चौथी चीज है अपने अपमान। आपका अपमान हुआ किसी को मत बताएं, आपकी कोई बेइज्जती मारता है किसी को ना बताएं, क्योंकि हो सकता है उस अपमान का साइड इफेक्ट आपके ऊपर आए, और हो ये भी हो सकता है कि आप अपना अपमान किसी को बताओ और बाद में वो इंसान, वो दोस्त, वो मित्र, वो रिलेटिव, वो रिश्तेदार आप ही का मजाक उड़ाए, ये बोले यार तेरी तो उसने बेइज्जती मार दी, तेरे बारे में तो उसने भी ये बोल दिया, मैं भी बोल सकता हूं, तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, तेरी तो उसने बेइज्जती मार दी थी, या फिर हो सकता है उस सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगी, आपकी तो उसने बेइज्जती मारी थी, आपका तो यहां मजाक उड़ा था, आपके साथ तो ये हुआ था। इसीलिए कभी भी अपने अपमान को किसी को भी बताने की गलती कभी ना करें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।